प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड सेकंड ईयर का सामान्य पेपर पढ़ेंगे, अधिगम हेतु आवरण। अधिगम हेतु आवरण के अंतर्गत हमारा जो प्रक्रम रहेगा इकाई रहेगी, वो फर्स्ट है आकलन की अवधारणा की सामान्य व्याख्या। ये हमारी इकाई है। इस इकाई के अंदर आज हम जो नया प्रक्रम पढ़ने जा रहे हैं वो उस प्रक्रम के बारे में थोड़ा विस्तार से करेंगे। तो वो आज का प्रकरण है अधिगम के लिए आकलन का अर्थ। कौन सा है? अधिगम के लिए आकलन का अर्थ है। अधिगम के लिए आकलन का अर्थ। अधिगम के लिए आकलन का अर्थ पढ़ेंगे। ये हमारा एक प्रकरण है। तो अधिगम के लिए आकलन का अर्थ जो है किस प्रकार होता है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। तो लिखना है कि अधिगम के लिए आकलन की जो अवधारणा, जो अर्थ है, मैं लिखता हूँ अधिगम के लिए अर्थ शिक्षक और विद्यार्थी के सहयोग से होने वाले, शिक्षक एवं विद्यार्थी एवं विद्यार्थियों के सहयोग से, विद्यार्थियों के सहयोग से होने वाली प्रक्रिया से कि अधिगम के लिए आकलन की अवधारणा का अर्थ है वो शिक्षक सहयोग से होने वाली प्रक्रिया से, जो छात्रों को जो विद्यार्थियों को अधिकतम 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 कर सके, अधिकतम अधिकतम कर सके। इसके साथ साथ ही विद्यार्थी भी अपनी अधिगम गतिविधियों का मूल्यांकन, मूल्यांकन करके अधिकतम मूल्यांकन करके अधिगम गतिविधि का वह प्रकरण को अधिकतम
अधिगम प्रकरण अधिगम अधिकतम अधिकतम रूप से प्राप्त अधिकतम से शिक्षार्थी को जब शिक्षा देने चाहता है तो दोनों का आकलन किस प्रकार से होना चाहिए, मतलब जो छात्र जो विद्यार्थी जो बालक शिक्षा प्राप्त करना आया है वह अधिगम गतिविधियों का प्रकार किस प्रकार का होना चाहिए, हमारा अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए उसके प्रति मूल्यांकन करता है। लिखा है कि जो विद्यार्थी को अधिकतम अधिगम कर सके, अधिकम मतलब वो अधिकतम पढ़ सके, अधिकम मतलब सीखना, वो कैसे सीख रहा है वो कैसे पढ़ रहा है, उनसे भी की जानकारी शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ विद्यार्थी भी अपने अधिकतम गतिविधियों का मूल्यांकन करता है, इसके साथ साथ विद्यार्थी भी अपने अधिगम स्तरों को क्या होता है ध्यान में रखते हुए अधिगम अधिगम की जो विधियाँ हैं उनका मूल्यांकन करके उन पर आसन गतिविधि में जो अधिक अधिक प्रिय है पढ़ने वाली गतिविधियों का वो करता है चयन करता है, जिससे वह जिसमें वह कोई प्रकरण उस विषय वस्तु के अंदर कोई भी प्रकरण हो जैसे उस प्रकरण को अधिकतम रूप सीखते हो। ठीक है कि जिसमें वह प्रकरण अधिकतम रूप से सीख सके, मतलब कोई प्रकरण कोई भी इकाई हो जैसे हमने अधिकतम के लिए आकलन करना टीवी हमारे प्रकरण
प्रकरण को अधिकतम रूप से सीख सके। अधिकतम के लिए आकलन का मतलब क्या है, मतलब शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो सहयोग होता है, जो सीखते हैं हम, कहते हैं पढ़ा था पिछले पढ़ता हूँ कि अधिकतम के लिए आकलन क्या होता है। एक शिक्षक तो है कि एकलव्य नाम सुना था आपने, अपने एकलव्य के बारे में कहा था कि एकलव्य ने अपने गुरु ने अपने गुरुकुल से निकाल दिया था कि वो निम्न जाति का है। एकलव्य ने जाने के बाद में अपने गुरु की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए उसने धनुर्धर शिक्षा प्राप्त की, जिसमें वो पारंगत हुआ। कहते हैं उन्हें कि जीवन के अंदर गुरु होना बहुत ही जरूरी है। गुरु के अनुसार जो कार्य करता है वह व्यक्ति हमेशा सफल होता है। दोनों ही उद्देश्य कम से दोनों मतलब होते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी का उद्देश्य अधिकतम स्तर पर अधिकतम उच्चतम बना रहे हैं कि दोनों ही उद्देश्य अधिकतम स्तर पर अधिकतम उच्चतम बनाया जाए। मतलब शिक्षक और शिक्षार्थी के उद्देश्य इतने स्पष्ट होने चाहिए कि शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए अधिकतम जो है वो छात्र विद्यार्थी को समझ में आ सके, और छात्र द्वारा जो उद्देश्य है वो अध्यापक को समझ में आना चाहिए। तो कहना मतलब कि दोनों के उद्देश्य होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और उचितम होने चाहिए और अधिकतम होने चाहिए उसको पढ़ सके, जिससे छात्रों की विशेष जिससे विद्यार्थियों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जिससे विद्यार्थियों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पढ़ते पढ़ते मतलब हमने पढ़ाया हुआ ज्ञान को, हमारा ज्ञान जो है अधिगम को विद्यार्थी कितना पढ़ रहा है उसमें समझ में आना चाहिए। कहना बनना है कि हमें उस अधिगम को अधिगम के द्वारा शिक्षक ने शिक्षार्थी कितना पढ़ाया वो आकलन करता है। क्या करता है? आकलन करता है। तो हमने भी आपको आकलन किया है कि जब आपने किसी पाठ में तैयारी की है, विषय वस्तु बनाई है, कई इंटरव्यू बनाई है, तो हम पूछते हैं कि आपने क्या सीखा, आपने कितने उद्देश्य के बारे में सीखा। तो बोले पाठ्यक्रम उद्देश्य अच्छे होते तो आप पढ़ता पढ़ा के देखिए। तो आप जैसे पढ़ने पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए शिक्षण प्रक्रिया जो अधिगम है, जिससे छात्रों की जिससे विद्यार्थी की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पढ़ते हुए देखते हैं, हम खुद देखते हैं वो हमारा पढ़ते समय हमारे द्वारा अच्छा लग रहा है, अब पढ़ते से मतलब हाँ कर लूंगा ये नहीं, जो दिखाई देता नहीं वो पढ़ते से जो दिखाई देता है वो पढ़ते से। मतलब कहना मतलब कि जो छात्र शिक्षक के सामने जो शिक्षक के सामने जो परिणत प्रस्तुति करता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रत्येक सबसे प्रूव करता है, सबूत का तौर बताता है। तो कहने का मतलब है कि प्रिय विद्यार्थियों जो आज हमने पढ़ाए अधिगम और आकलन का पढ़ाए कि शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य क्या नहीं सहयोग होना चाहिए, सहयोग मतलब हम मोटिवेशन करना चाहिए, अभिप्रेरणा होनी चाहिए, अध्यापक के द्वारा पढ़ाए गए ज्ञान के आधार पर उस विद्यार्थी का भी अर्थ निकलना चाहिए कि उसको कितना उस विषय के बारे में उस विषय वस्तु बारे में कितना वो जानता है। तो आइए और हम पढ़ते हैं एक परिभाषा लिखता हूँ, लिखता हूँ यहाँ ऊपर छोटा देता हूँ। एवं शिक्षा के या विद्यार्थी के द्वारा परस्पर सहयोग बनाने का प्रयास करता है।
तय बनाने का प्रयास किया जाता है। एक परिभाषा है अधिकरण के लिए आपन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के द्वारा विद्यालय के द्वारा सहयोग कर स्तर को उच्च व स्थायी बनाने का प्रयास किया जाता है। प्रोफेसर एस के दुबे के अंदर लिखा हुआ है, प्रोफेसर एस के दुबे के मतानुसार, प्रोफेसर एस के दुबे ने अधिगम के लिए आकलन के अंदर एक परिभाषा अर्थ बताया है। अधिगम के लिए आकलन जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी परस्पर सहयोग से अधिगम स्तर को उच्च व स्थायी बनाने का प्रयास करता है। मतलब शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य सहयोग से उच्च और स्थायी ज्ञान बनाने के लिए प्रयास करता है। कहता है कि एक विद्यार्थी और एक शिक्षक जो है अधिगम स्तर को, मतलब शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ्य पुस्तक को वो अधिक से अधिक पढ़ाने के लिए, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ सहयोग करता है। शिक्षक और विद्यार्थी सहयोग करता है, कुछ जो नहीं आता कुछ मैं दोनों को बताऊंगा। तो दोनों के सहयोग से पाठ्य पुस्तक जो अधिगम जो प्रकरण है उसमें क्या होती है, पकड़ बन जाती है। और पकड़ बनने से विद्यार्थी उस विषय के बारे में, उस प्रकरण के बारे में, प्रकरण के ज्ञान को हमेशा के लिए उच्च व स्थायी बनाए रखने का प्रयास करता है। मतलब मेरे अध्यापकों ने जो पढ़ाया वो ज्ञान मुझे हमेशा के लिए याद रहता है। कहते हैं कि बार बार जिस क्रिया को किया जाता है वो क्रिया हमेशा उच्च स्थायी और हमेशा के लिए हमारे मस्तिष्क में रहती है। कहने वाला है कि शिक्षक और अध्यापक के सहयोग के बिना कार्य होता नहीं है। तो कहने वाले कि अधिगम के लिए आपने कहा था कि शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य परस्पर अधिगम स्तर को उच्च और स्थायी बनाने का प्रयास किया जाता है। दोनों के बीच में सहयोग की भावना होनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा अधिगम के आकलन को पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही, पर आप सभी से निवेदन है, 96 विद्यार्थी हैं उन सभी से निवेदन करता हूँ कि आप अपनी अंतिम पुस्तक की इस वीडियो व्याख्यान के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में अपना नाम, पिता का नाम और हाई नंबर लिखकर उपस्थिति दर्ज करें। धन्यवाद।